सोलन जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सांसद वीरेंद्र कश्यप पर भ्रष्टाचार के आरोप तय हो जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होना इसका एक सबूत है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में भाजपा यह शोर मचा रहे थे कि कांग्रेस में ट्रांसफर माफिया हावी है, लेकिन अभी प्रदेश में भाजपा सरकार को बने एक महीना भी नहीं हुआ है और करीब 80 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इससे जनता के बीच यह साफ हो रहा है कि ट्रांसफर माफिया कौन सी सरकार में ज़्यादा हावी था। आज जिला कांग्रेस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो मुख्यतः 2018 की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने की है, जिसमें मुख्य तौर पर बीजेपी की जो सरकार हाल ही में बनी है, जो उनका चार्ज हमेशा कांग्रेस सरकार पर रहता था कि ट्रांसफर माफिया और माफिया राज जो है कांग्रेस सरकार पर हावी रहता है, पर उसका जीता जाता उदाहरण जयराम जी की सरकार ने पहले महीने में दे दिया, जबकि करीब करीब इनको 20-22 दिन में भी सरकार बने हुए हैं, पर उन्हें थोक के हिसाब से जो है जिस तरीके से सरकार ने तब्दीलियाँ की हैं, ट्रांसफर्स की हैं, करीब करीब 450 ट्रांसफ़र हुई हैं, इससे लोगों को ये सामने बात आई है कि माफिया राज कांग्रेस में ज़्यादा चलता था कि भाजपा में ज़्यादा चलता था। ये हमेशा से रिवायत रही है कि इन्होंने अपने जो लोग हैं उनको जो है प्लम पोस्टें जो है हमेशा जब भी सरकार में आए दी हैं, और लोगों को जो है आम लोगों को ट्रांसफ़र के मार्फत जो है बहुत तंग।